जैसा कि आप जानते हैं, मैं मछली पकड़ने टोकरा लेकर गया था, तो उसमें एक मछली जिसे हम लोग डवला कहते हैं फड़फड़ाई, तो मैंने डर के मारे टोकरा मछली समेत पानी में फेंक दिया और तालाब से बाहर आ गया। काफी लोग मछलियां पकड़ रहे थे, इतने में हबीब के चिल्लाने की आवाज आई। हम सब भागकर उसके पास पहुंचे तो वो चापड़ी मारकर बैठा था और लाखी मछली जो कि बड़ी खतरनाक होती है, उसके दोनों तरफ कांटे होते हैं। उस मछली ने दोनों कांटे हबीब की रानों में घोंप रखे थे। वो हरकत करती तो हबीब दर्द से बिलबिला उठता। हमने हंसराज को आवाज दी तो उसने आकर हबीब की जान छुड़ाई। उसकी दोनों रानों से खून बह रहा था। ललाखी के कांटे से बुखार भी हो जाता है, हबीब बेचारा फिर बुखार में मुबतला हो गया। मैंने आज तक कभी मछली का शिकार नहीं किया था और ना ही मैं खाता था। घर में अब्बा जी के पास एक जाल होता था जो लोग मांग कर ले जाया करते थे और वापसी पर जाल के साथ कुछ मछलियां शुक्रिया के तौर पर दे जाते। हमारे अब्बा जी बहुत शौकीन थे मछली खाने के, मगर हम सब बच्चे सिर्फ शोरबे में डबो डबो कर रोटी खा लेते थे। हमारे अब्बा जान 1946 को रिटायरमेंट लेकर घर आ गए थे। तब हमारे अब्बा जी ने एक दुकान पहले की तैयार की हुई थी, उसमें शहर से सौदा सर्फ लाकर भर दिया। जल्द ही अफरा तफरी फैल गई, बंटवारा की खबरें गर्म हो गई, तो लोग अपने अपने बच्चों और औरतों को महफूज मकामात पर पहुंचाने के लिए दौड़ धूप करने लगे, क्योंकि जत्थे एक दूसरे पर हमले कर रहे थे। एक रात का एक हौलनाक वाकया बताता चलूं। हम एक रात छत पर सो रहे थे कि अचानक मेरे अब्बा जी भागते हुए छत पर आए और हमें उठाकर छत से नीचे फेंक दिया। छतें 10 फुट की थी तो अब्बा जी ने मुझे और मेरी बहन को लटका कर नीचे फेंका। हम नीचे गिरते ही फिर सो गए। मेरी अम्मी ने पूछा क्या हुआ है, तो अब्बा जी ने बताया कि हमारे गांव से 4 किलोमीटर दूर सलिया गांव पर जत्थों ने हमला कर दिया है और पूरे गांव को आग लगा दी है। लोग सो रहे थे, जत्थों ने कत्लेआम शुरू कर दिया, बहुत से लोग मारे गए। गांव का नाम सलिया था। एक ब्रेन गन हमारे गांव की तरफ फायर कर रही थी। औरतें और बच्चे सब गांव छोड़कर हम जनूब की ओर गुलचंदर के करीब एक खुश्क तालाब था, कहा गया कि इसमें चादरें खेस डालकर बच्चों को सला दें। वो जगह मोर्चा नमा थी, लेकिन हम उठ उठ कर सलिया को जलता हुआ अपनी आंखों से देख रहे थे। हम सब लोग बहुत दुखी हो रहे थे। फिर गांव से चंद असला बरदार नौजवान सलिया की मदद के लिए रवाना हुए। उनमें फौजी थे, वालिद साहब भी थे, आदमी था एक इब्राहिम, उसके पास टीन गन थी, दलेर आदमी था, 12 बोर भी थी। दूसरी तरफ से होकर उन्होंने सलिया के करीब जाकर फायरिंग शुरू कर दी। फिर वो लोग वहां से भाग गए। बहुत लोग जख्मी थे, कई लोगों के बाजू कटे थे। हमने बाद में खुद अपनी आंखों से उन जख्मियों को देखा।
उनकी हालतें रातों को सोने नहीं देती थी। डर के तले हमारे शबो रोज गुजर रहे थे कि अचानक एक दिन खबर आई कि हमारे गांव पर सिखों का जत्था हमला करने वाला है। पूरे गांव की औरतें और बच्चे गांव के वस्त में जो घर थे उसमें इकट्ठे हो गए और मर्द गांव से बाहर पहरा देने लगे। गांव का लहार धड़ाधड़ हथियार बनाने में सरगर्म अमल था। उसका नाम अजीब था, सब उसको नली लोहार कहते थे। बहुत शरीफ आदमी था, लोग उसे लोहा और ईंधन देते तो वो बलम तैयार करके देता, फिर उस बलम को लाठी पे फिक्स करके एक नेजे की शक्ल बना देता। जिस गांव के जत्थे ने हमला करना था वो लोग फौजी थे और उनके पास हथियार काफी मकदार में थे और वो सिख बिरादरी से ताल्लुक रखते थे। वो लोग अपना गांव छोड़ने को तैयार नहीं थे। तो फिर एक इतला आई कि वो गांव खाली करवाना है तो मदद चाहिए। फिर मेरे नाना अबू के भाई कैप्टन मोहम्मद हुसैन ने अपने गांव के तमाम फौजियों को इकट्ठा किया और एक जत्थे की शक्ल में अपनी अंडर कमांड लेकर रवाना हो गए। इससे पहले कि वो हमला करते ये अपना जत्था लेकर हमला के लिए निकल पड़े। जब हिंदुओं के मकान खाली हो गए तो लोगों ने लूटना शुरू कर दिया, क्योंकि हिंदू तो सिर्फ जेवर और नकदी वगैरह लेकर ही गए थे। अजीब समा था, हर तरफ लूट मार का बाजार गर्म था। हमारे गांव के साथ एक गांव था जमालजंड, वहां हिंदुओं की बहुत अक्सरियत थी और शहर की मानिंद बाजार थे। लंबे लंबे हर किस्म की दुकानें थी, ज्वेलरी, जूते, कपड़े। बाहर की तरफ मगरब में सरदारों की दुकानें थी जहां कुओं का सामान तैयार करते थे, लठे, पारछे, नसारे, हत्ता के हर सामान तैयार होता था। मैं बड़े शौक से सिखों को पगड़ियां पहने काम करते हुए देखने जाया करता था। वहां एक मशहूर जमाना अमीर हिंदू खानदान था जिनका सरबरा बरकत शाह हुआ करता था। बरकत शाह के टांगे सियालकोट तक जाते थे। उस वक्त एक सवारी का किराया 8 आने तक हुआ करता था। उस जमाने में ज्यादातर लोग घोड़ों पर सवारी किया करते थे। मेरी दादी के उस खानदान की ख्वातीन से बहनों वाले ताल्लुकात थे। ये औरतें एक दूसरे के बच्चों के नाम भी रखती थी। मेरे वाले साहब का नाम भी उन्हीं की मरहूने मिन्नत था। मेरे वाले साहब का नाम जीवन, जिसके आगे मेरी दादी ने खान लगा दिया, तो पूरा नाम मलक जीवन खान था। हम आवान हैं और हमारा खानदान गांव में चौधरियों का खानदान कहलाता है। जब जत्थों का खौफ टल गया तो फिर हवाई जहाज आ गया। एक दिन हम लड़के एक खेल होती है खुद को लू, हम खेल रहे थे तो इतने में इंडिया का जहाज नमूदार हुआ और उसने फायरिंग शुरू कर दी। आगे क्या हुआ इसके बारे में हम आपको अगले एपिसोड में बताएंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज। अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें, अजीजों का ख्याल रखें, हमसायों का ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।